तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम है। और आज हम लोग जानने वाले हैं हिस्ट्री ऑनर्स जिन लोगों ने रखा है ग्रेजुएशन में, उनका सेमेस्टर टू में कोर पेपर थ्री किस टाइप का पूछा जाएगा, आइए देखते हैं। ठीक है, तो सेकंड सेमेस्टर कोर पेपर थ्री हिस्ट्री ऑनर्स 2018 में पूछा गया पेपर था और 3 घंटे समय दिए जाते हैं। किसी किसी यूनिवर्सिटी में 80 नंबर का एग्ज़ाम होता है, किसी में 70 तो किसी में 100, लेकिन प्रश्न सभी का लगभग सेम ही होता है। अब आइए देखते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आंसर यानी 5 क्वेश्चन, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न आपका जो है कंपलसरी है और प्रश्न संख्या 1 आपका 20 नंबर का है और बाकी सभी 15 नंबर के हैं। मतलब कि 20 अंकों वाला प्रश्न संख्या 1 का आंसर देना है, उसके बाद जितने भी 15 अंकों वाले हैं उन सभी को में से 4 को चुन के देना है आपको आंसर। तो आइए देखते हैं 5 प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 1 20 नंबर वाला। ग्रुप ए और ग्रुप बी 2 भागों में बांटा गया है। ग्रुप ए में 1 अंकों वाले 10 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हैं, तो इसका आंसर आपको चुनना होगा। और एक यहाँ पे खेद की बात यह है कि 2 पेपर इसका गायब है, ठीक ना, फट गया है एक्चुअली। तो पहला है हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम एन वेडर इन इंडिया, तो ये बस इतना ही है। उसके बाद यहाँ पे शुरू होता है 5वां प्रश्न से राष्ट्रकूट वंश का शासन काल था। द एडमिनिस्ट्रेशन पीरियड ऑफ राष्ट्रकूट वाज, तो कब से कब तक चला था राष्ट्रकूट का शासन, वो डेट बताना है आपको। 710 से 910, 753 से 973, या 800 से 1110, या फिर 900 से 1010, आप गूगल कर लीजिएगा, गूगल में मिल जाएगा, मुझे आंसर नहीं मालूम है, ठीक है ना। 6ठा प्रश्न है चोल वंश का संस्थापक कौन था। हु वाज द फाउंडर ऑफ चोल डायनेस्टी, तो कौन था, सिंह विष्णु विजयालय, तो विजयालय चोल होगा शायद, लेकिन आप लोग कर लीजिएगा यार, मेरे भरोसे मत रहिए। राजेंद्र या कृष्ण, तो राजेंद्र कृष्ण तो बिल्कुल नहीं होगा, या तो सिंह विष्णु होगा या फिर विजयालय होगा। अगला है 7 नंबर, मोहम्मद गजनी ने भारत में कितनी बार आक्रमण किया, तो इसका आंसर तो मिल गया होगा, हाउ मेनी टाइम्स मोहम्मद गजनी इन वेड इन इंडिया, तो ये कहते थे 17 बार जी। अगला है तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया, तो तराइन का दोस्तों युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ करता था। तो पहला हुआ था कब हुआ था, 1191 में हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध, जिसमें गौरी हार गया था, दूसरी बार फिर से लौट के आया और पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई। और ये था डेट 1192 और 1191-92 दोनों वर्ष हुआ था, 91 में पहला, 92 में दूसरा, तो डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है आपका मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई थी। मोहम्मद गौरी डेड इन द ईयर, किस डेट को मारा था, 1209 को, 1204 को, 1203 को, या 1206 को। अगला है चोलों की राजधानी कहाँ थी, द कैपिटल ऑफ चोलावाज, तो चोल की राजधानी कहाँ थी, कांची, तंजोर, बादामी या एलोरा। अगला है बी नंबर, आंसर एनी 2 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग, और 5 अंकों वाले 2 प्रश्नों के आंसर देने हैं, कुल मिलाकर 1 का बी है, तो 10 10 10 एक नंबर में 20 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 1 का बी यहाँ पे देना है, 5 अंकों के केवल 2 पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, छोटा सा नोट लिखना है। पहला है चोल प्रशासन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन चोल एडमिनिस्ट्रेशन। बी नंबर है आपका मिहिर भोज की उपलब्धियों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द अचीवमेंट ऑफ मिहिर भोज। और सी नंबर है अरबों के सफलता के कारणों का वर्णन करें, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रीजंस ऑफ सक्सेस ऑफ अरब, तो क्यों सफल हुए जी इतना, क्या कारण था, कारण को बता दीजिए। चोल प्रशासन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन चोल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पे आता है प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 जो है 2 3, अब जितने भी आएंगे सभी 15 मार्क्स के होंगे, 15 अंकों के प्रश्नों का उत्तर मैक्सिमम आपको 450 वर्ड्स, मैक्सिमम 450 और मिनिमम 240 वर्ड्स में लिखना है, मिनिमम 240 मैक्सिमम 450, बोले तो एक खड़ा पन्ना का दोनों साइड, दूसरे खड़ा पन्ना का एक साइड आइडियल होगा, ठीक ना। तो देखते हैं, पहला है अरब आक्रमण के समय भारत की राजनीति व्यवस्था का वर्णन करें, अरबों ने इससे किस प्रकार लाभ उठाया, ठीक है। डिस्क्राइब द
पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया, भारत लिखना चाहिए यार, इंडिया ऑन द एव ऑफ अरब्स इन्वेंशन, हाउ डिड अरब टेक एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन। अगला है आपका तीसरा प्रश्न, राजपूत युग की सामाजिक आर्थिक तथा धार्मिक स्थिति का वर्णन करें, डिस्क्राइब द सोशल इकोनॉमिक एंड रिलीजियस पोजिशन ड्यूरिंग राजपूत पीरियड। फोर नंबर है आपका, राजपूत युग में कला एवं संस्कृति के विकास का वर्णन करें, डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑन आर्ट एंड कल्चर ड्यूरिंग राजपूत पीरियड। और पांचवा प्रश्न है, पाल शासकों के अंतर्गत भारत की प्रमुख उपलब्धियों का वर्णन करें, एनालाइज द मेन अचीवमेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द पाल रिगाइम। ठीक है, तो ये हो गया। छठा प्रश्न आता है, गुर्जर प्रतिहार के शासन के महत्व की विवेचना करें, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द रूल ऑफ द गुर्जर प्रतिहार। अगला है सातवां, मोहम्मद गौरी के भारत आक्रमण के कारण एवं उद्देश्यों पर प्रकाश डालें, यानी कि थ्रो लाइट ऑन क्यूसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ मोहम्मद गौरीस इन्वेंशन इंडिया। अगला है आठ नंबर, तराइन के युद्ध और उसके प्रभावों का वर्णन करें, डिस्क्राइब द वॉर ऑफ तराइन एंड इट्स इफेक्ट, क्या क्या इफेक्ट हुए, किस क्या क्या प्रभाव पड़ा। पर सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा था कि जनता में दहशत फैल गया था यार, खौफ फैल गया था, डर बैठ गया था। नाइन नंबर है, राजेंद्र चोल की उपलब्धियों का वर्णन करें, डिस्क्राइब द अचीवमेंट ऑफ राजेंद्र चोल। और दसवां है, भारत में मोहम्मद गजनी की सफलता के कारणों का वर्णन करें, डिस्क्राइब द रीजंस एंड सक्सेस ऑफ मोहम्मद गजनी इन्वेंशन ऑन इंडिया। तो ये हो गए हैं आपके कुल प्रश्न। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको किसी अदर सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना है, पूछा गया प्रश्न पत्र, चाहे आपका कोई दोस्त ग्रेजुएशन कर रहा हो तो उन तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। सच बता रहा हूँ दोस्त, बहुत हेल्प करेगा एग्जाम में। और कुछ प्रश्न आपको यहीं से उठ के देखने को मिलेंगे कि यहीं से आ रहे हैं, तो अच्छे से तैयारी कर लें। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। कुछ भी फिर भी दिक्कत आ रही हो तो आप हमें कमेंट करें, हम आपकी मदद करने की हमेशा प्रयास करेंगे। एंड थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, योर हेल्थ एंड जान है तो जहान है। पढ़िए, अच्छे से एग्जाम दीजिए, बेस्ट ऑफ लक।